रुक करूंगी। और यहाँ पर शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, राजिम में पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ लोगों की दिखाई दे रही थी जो इस कुंभ को, इस पूरे मेले को देखने के लिए पहली बार आ रहे थे, लेकिन आज तो महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में और भी ज्यादा क्या भीड़, और भी ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ी है? इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भरी हुई है क्योंकि राजिम कुंभ कल्प का आयोजन हो रहा है और ये 5 सालों बाद अगर कहे तो राजिम कुंभ कल्प का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में ये राजिम माघी पुन्नी मेला के नाम से आयोजन होता था, लेकिन जैसे ही कुंभ का आयोजन हुआ तो बड़ी तादाद में, हजारों और लाखों की तादाद में देश भर से साधु संत पहुंचे और यहाँ जब पहुंचे तो देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और मैं एक बार इस कुंभ नगरी का एक तस्वीर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये देखने वाली चीज है कि काफी अद्भुत नजारा ये है। इसलिए अद्भुत है कि त्रिवेणु संगम में आज नहीं बल्कि कल से ही लाखों लोग यहाँ पर रुके हुए हैं इस आस्था में, इस भक्ति में कि शिव का वो आज दर्शन करेंगे। और देखिए कि लोग जो है यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो प्रशासन ने व्यवस्था करके रखी है, बैरिकेड्स लगाए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को अपने महादेव से मिलने में किसी तरह का परेशानी ना हो। और यहाँ जो है कुंभ का जो आयोजन चल रहा है 15 दिनों से, माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि 8 मार्च तक, तो इस बीच में 3 मार्च से लेकर 8 मार्च तक भव्य विराट समागम का आयोजन हुआ, जहाँ महामंडलेश्वर शंकराचार्य और देश भर से पहुंचे साधु संत यहाँ उनका भजन चलाया, तो उनसे मिलने भी हजारों लाखों के तादाद में भक्त पहुंचे हुए हैं। और देखे कि ये जो प्रमुख मंदिर है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है जो त्रिवेणी संगम, 3 नदियों के संगम में ये स्थित है। माता सीता ने वनवास काल के दौरान अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग, शेख इमरान, कई सारी महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं। आप बात करने का प्रयास करिएगा, आपके पास मैं लौटती हूँ। रायसेन का रुख कर लेते हैं, सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। रायसेन में आखिर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, तस्वीरें दिखाइए, कैसे बाबा का जल अभिषेक वहां पर हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, तस्वीरें दिखाइए। मनीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, तस्वीरें दिखाइए, आसपास लोगों से, श्रद्धालुओं से बात करने का भी प्रयास कीजिए, कब से लाइनों में लगे हैं, कैसा वहां का नजारा है, सब दिखाइए। हाँ बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम भोरम देव शिव मंदिर जो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ मौजूद है। हमारे साथ काफी श्रद्धालु मौजूद हैं जिन्होंने आज सुबह से लाइन लगाकर दर्शन किए, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आज के दिन की शुरुआत इंतजार की जाए। जी आप लोग कहाँ से हैं, किस तरह से दर्शन? जी हम लोग कवर्धा से हैं और बहुत आसानी से दर्शन हो गया, जैसे जैसे मतलब समय बढ़ते जा रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। और शिवरात्रि जो है तो हर माह आता है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ एक बार आता है जो कि फाल्गुन मास में आता है। और इस पर्व पर शिव जी का अभिषेक करके